सेवा जोहार साथियों मैं राजा रावण रास तिलक ध्रुवे आप सभी के सामने गौणाना दर्शन के फेसबुक पेज के माध्यम से आया हूँ मुझे बड़ी हर्ष है और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि गौणाना दर्शन ने मुझे मेरे कार्यक्रम के लिए मेरे इस उद्बोधन के लिए 9 अगस्त का दिन चुना तो ये काफ़ी गर्व का विषय है हमारे लिए कि आज हम इंडिजिनस डे एक त्यौहार के रूप में एक सेलिब्रेशन के रूप में एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में आज अंतरराष्ट्रीय कोयतूरों का दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है कोयतूर शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इससे पहले मैं इंडिजिनस के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हमारी भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हुई है इंडिजिनस शब्द जो है हमारा वो हमें इसलिए प्राप्त है या फिर हम इंडिजिनस इसलिए हैं क्योंकि हम यहीं पे पैदा हुए हैं हमारे पुरखे हमारे पूर्वज हम कभी भी किसी भी स्तर पे कहीं पर भी विस्थापित नहीं हुए हैं इसलिए हम इंडिजिनस हैं इसलिए हम स्वदेशी हैं इसलिए हम इस देश के असली मालिक हैं यहाँ पे पीछे बीते कुछ दिनों से इंडिजिनस को लेकर बहुत सारे इंडिजिनस के हिंदी अनुवाद किए गए हैं बहुत सारे ऐसे अनुवाद किए गए हैं जिसका कोई सार ही नहीं है जिसका कोई इंडिजिनस में अर्थ ही नहीं निकलता ना जाने क्या क्या बोला जाता है आदिवासी वनवासी गिरिजन और न जाने क्या क्या लेकिन कोईतूर शब्द क्यों नहीं कोईतूर शब्द जो कि पाना पारसी का जो कि हमारा क्यों नहीं उपयोग करते हैं मैं गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन मध्य प्रदेश में प्रबंधन प्रकोष्ठ में हूँ हम गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के युवा हम गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के युवा ऊर्जा लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि समाज को एक अच्छी और सही दिशा ले जाया जाए सही दिशा में लाया जाए आप देखेंगे क्या हो आजकल कि लोग भड़काने वाले बहुत ज़्यादा हैं जो लोग भड़का रहे हैं भीड़ के नाम पे, एकता के नाम पे, कहीं आपको ये बदना ये, ये नुकसान हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा और उस भीड़ का उपयोग जो है केवल वोट बैंक के रूप में किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं मैं आज ये बोल रहा हूं और बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं समझिए इस बात को आप जो वोट दे रहे हो क्या आप उसका उपयोग कर पा रहे हो आपने जो व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को जिस भी पार्टी के व्यक्ति को आपने वोट दिया क्या उस पार्टी का चुना हुआ व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का वो चाहे वो कोई भी हो सांसद हो विधायक हो किसी भी प्रकार का कोई नेता हो कोई मदद कर पा रहा है ये देखना होगा साथियों कुछ भी नहीं हो रहा है क्यों ये व्यवस्था बनाई गई है इस तरीके से ये व्यवस्था ही इस तरीके से बनाई जा रही है कि आप लोगों के बीच में आदिवासी शब्द को जबरदस्ती डाला जा रहा है जबरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है और उससे क्या हो रहा है उससे क्या हो रहा है जब से आदिवासी शब्द आया है हम में बिखराव और ज्यादा बढ़ गया लोग बोलते हैं कि आदिवासी शब्द से बहुत ज्यादा यूनिटी होगी बहुत ज्यादा एकता होगी बहुत ज्यादा हम एक हो जाएंगे नहीं हो रहे हैं सत्तर बहत्तर पता नहीं उन्नीस से शब्द चले आ रहा है यदि आदिवासी शब्द से एक हो रहे थे तो अभी तक क्यों नहीं हुए यदि वनवासी शब्द से एक हो रहे थे वनवासी शब्द से उत्थान होना था तो अभी तक क्यों नहीं हुआ सत्तर साल से इस देश में सरकार इस बात की बात करती है कि हम गरीबी के लिए काम करेंगे हम अनुसूचित जनजाति के लिए काम करेंगे जंगल में रहने वाले लोगों के लिए काम करेंगे जनजातियों के लिए काम करेंगे लेकिन अभी तक इस देश में इस वर्ग का उत्थान क्यों नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि वो केवल बात कर रहे हैं वो केवल ये बोल रहे हैं कि हम इनका उत्थान करेंगे इनका इनका विकास करेंगे लेकिन उसके नाम पर कुछ भी नहीं ठहंगा दिखा देते हैं साथियों इस देश को आज जरूरत है एक नई दिशा की एक सही दिशा की हमारे युवाओं में जो महन में जहर घोला जा रहा है कहीं वो किसी किसी दूसरे धर्म को गाली देने लगते हैं एक बात सोचिए समझिए जिस मन में कटुता भर जाएगी जिस युवा के मन में मकता भर जाएगी क्या वो क्या वो सही मानसिकता के साथ पढ़ाई कर पाए मानसिकता के साथ क्या वो सही मानसिकता के साथ खुद का विकास कर पाएगा नहीं कर पाएगा आपकी सारी ऊर्जा आपकी सारी एनर्जी आपकी सारी ताकत केवल और केवल दूसरों को दूसरों की बुराई करने में लग जाएगी हमारी सारी ऊर्जा आज की डेट में इसी प्रकार से लग रही है हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं केवल दूसरे की बुराई करने में खुद के विकास के नाम पर कुछ नहीं खुद के विकास के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे ना धंधा कर पा रहे ना व्यवसाय कर पा रहे ना पढ़ाई कर पा रहे ना समाज को जोड़ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे केवल रैली निकालने को बोल दो युवाओं को भीड़ निकालने को बोल दो आज भी कार्यक्रम हुए हैं वो तो कोरोना चल रहा है नहीं तो हमारे ही समाज के लोग हमारे ही समाज के युवाओं को भटकाते इस प्रकार से कि तुम रैली निकालो तुम भीड़ निकालो निकालो हम तुमको ये करेंगे इतनी भीड़ दिखाओ अरे तुमने कम संख्या में लड़का क्यों लाए इतने कम लड़के क्यों लाए और लड़के लाओ और भीड़ दिखाओ साथियों भीड़ दिखाने से कुछ नहीं होगा ये केवल और केवल राजनीतिक उपयोग के लिए किया जा रहा है केवल और केवल राजनीतिक उपयोग के लिए जबकि हम अनुसूचित क्षेत्र में हैं, हम पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में हैं हम पारंपरिक ग्राम सभा के क्षेत्र में हैं जहां पर हमारे प्रतिनिधि जनजाति वर्ग से ही होते हैं कोई दूर होते हैं तो जब वो जनजाति ही होता है तो आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? आपस में लड़ने की क्या जरूरत मतलब इस आदिवासी शब्द ने आपके बीच में एकता नहीं लाई इस आदिवासी शब्द ने कोई एकता नहीं लाई है जबकि और दूर कर दिया है और भटका दिया है और अलगाव कर दिया है और बिखराव कर दिया है ये बात समझिए साथियों यह इस तरीके से हमारे बीच में एक चीज डाल दी गई है कि चिपक गया है आदिवासी शब्द मानसिक गया है लोगों को देखो कितने बेवकूफ मन रहे हैं आदिवासी आदिवासी उपयोग कर रहे हैं इंडिजिनस शब्द के लिए मूल निवासी उपयोग कर रहे हैं इंडिजिनस के लिए पता नहीं कौन कौन सा शब्द उपयोग कर रहे हैं लेकिन कोयतूर क्यों नहीं कर रहे भैया कोयतूर शब्द से क्या समस्या है जो कि हमारी अपनी भाषा का शब्द है हमारी अपनी पाना पारसी भाषा का शब्द है मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि पाना पारसी उनकी भाषा का शब्द नहीं है इस विश्व में हड़प्पा संस्कृति में यदि कोई भाषा चली थी तो वो पाना पारसी भाषा चली थी हड़प्पा संस्कृति के लेखों को हड़प्पा संस्कृति में जो लिपि लिखी गई है उसको यदि किसी भाषा ने पढ़ा था तो वो पाना पारसी गोंडी भाषा ने पढ़ा था डॉक्टर मोतीरावन कंगाली दादा ने पढ़ा था ये बात आज का युवा ये बात आज का समाज ये बात आज की वो राजनीतिक लोग क्यों नहीं समझते खून खोलना चाहिए इस बात पर कि हमार को राजनीति के लिए उपयोग किया जा रहा है हमको राजनीति के षडयंत्र के तहत केवल वोट बैंक समझा जा रहा है क्या हम पागल हो गए हैं या हम बेवकूफ हो गए हैं इस बात के लिए इतना हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी बोल बोलकर एक समूह तैयार किया जाता है भीड़ दिखाई जाती है और उसके बाद भीड़ दिखाने के बाद उस भीड़ के माध्यम से टिकट मांगा जाता है और राजनीतिक दल का हर वो व्यक्ति खुश होता है इस बात पर उसको कोई मतलब नहीं है संस्कृति से उसको कोई मतलब नहीं है परंपरा से उसको कोई मतलब नहीं है कोया पुनियम से धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ये सोचते हैं कि संस्कृति जाए भाड़ में समाज जाए भाड़ में समाज की बात करते हैं लेकिन राजनीतिक लोगों के पैर के तलवे चाटते हैं खून खोलना चाहिए Osionfish. हमारा और आप सभी का इस बात को लेकर ये क्या चल रहा है क्या सत्तर साल से हम हमारी पीढ़ी निकल जाएगी हमारी कितनी पीढ़ियां निकल गई क्या हर बार हम लड़ते रहेंगे क्या हर बार हम रोड में निकलते रहेंगे क्या हर बार हम भीड़ दिखाते रहेंगे कभी वो समय नहीं आएगा कि हम अपने घर में बैठे कभी वो समय नहीं आएगा कि हम अपने घर में बैठे और एक फोन में हमारा काम हो जाना चाहिए इस देश के अंदर कभी वो समय नहीं आएगा क्या कभी ये समय नहीं आएगा कि इस देश की जो विचारधारा चल रही है फांसी बात को लेकर आगे बढ़ा रहा है फासिस्ट जो एक विचारधारा है किसी भी विचारधारा का एक्सट्रीम रूप ले लेना किसी भी विचारधारा का बड़ा रूप ले लेना इस सबको नजरअंदाज कर दे वो फांसी बात के तहत बढ़ रहा है आज की डेट में इस देश में जो इस देश में जो लोग जो विचारधारा शासन कर रही है आज की डेट में आज की तारीख में इस देश में जो विचारधारा सरकार चला रही है वो कहीं कहीं क्या हर तरफ से देखिए की ओर बढ़ रही है गूगल में टाइप करके देखिए क्या है। मैं उन युवाओं को बताना चाहूंगा बताना चाहूंगा जनजातियों को बताना चाहूंगा आप समझिए इस बात को वर्गों में बांट दिया गया है लोगों को कि छोटे छोटे समूह में बना दिया गया है कि आपस में ही आप लड़ लो आपस में ही आप एक दूसरे को बड़ा बताने का प्रयास करो कोई संगठन बोलता है मैं संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा हूं दूसरा संगठन बोलता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं हर संगठन बोलता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं लेकिन काम क्या हो रहा है आज भी हम विस्थापन से परेशान हैं आज भी हम गरीबी से परेशान हैं आज भी हम शोषण से परेशान हैं आज, है। आज भी हमारी मातृशक्ति हमारी बहने शहर में जाती हैं चाहे पढ़ने के लिए हो चाहे नौकरी के लिए हो चाहे यहां भी यहां तक कि पुरुष वर्ग भी परेशान है शोषण से कोई भी कोई भी बोल दे कोई भी जनजाति समुदाय का कोई दूर समुदाय का और खासकर आदिवासी वाले को तो बात ही नहीं कर रहा मैं ये बोल के बता दे कि आज तक मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ है हर किसी के साथ गलत हुआ है लेकिन इसकी समस्या का समाधान क्या है क्या समस्या का समाधान यह है कि हम एक चीज को लेकर ले रखें और उसके लेकर आगे बढ़ते रहें क्या समस्या का समाधान यह है कि नहीं तूने मैं आदिवासी हूं मैं आदिवासी शब्द को चिपके रहूंगा ऐसा मैं बोलते रहूं क्या समस्या का समाधान यह है समस्या का समाधान ये है कि आप अपने घर में अपने गांव में अपने घर को संभालिए पहले खुद को संभालिए फिर अपने घर को संभालिए फिर अपने गांव को संभालिए राजनीति करने वाले लोग आप लोगों के मन में आप लोगों के बीच में फूट डालेंगे ही डालेंगे इस पार्टी सिस्टम को खत्म करना है इस देश से पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से इस देश से निर्विरोध रूप से विधायक आना चाहिए इस बात को हम ठान लें निर्विरोध रूप से सांसद आना चाहिए इस बात को हम ठान लें अपने गांव में जो सरपंच आना चाहिए वो निर्विरोध आना चाहिए हम ठान लें क्यों नहीं आ सकता अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं हम सभी अनुसूचित क्षेत्र में हमारी संख्या ज्यादा होती है हमारी संख्या बल ज्यादा होती है अनुसूचित क्षेत्र में हमको प्रतिनिधित्व मिलता है कि केवल अनुसूचित जनजाति व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है किसी भी किसी भी पद का चुनाव हो चाहे वो सरपंच का हो चाहे वो पंच का हो चाहे वो जनपद का हो चाहे वो जिला पंचायत का हो यहां तक कि विधायक सांसद भी केवल इसीलिए सैंतालीस विधायक है मध्य प्रदेश में पूरे देश की बात तो मैं आप सभी सुनेंगे ही और करेंगे भी अपने अपने क्षेत्र में लेकिन यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में जब जनजातीय व्यक्ति को ही चुनाव जीतना है तो फिर एक होकर क्यों नहीं तय कर लेते हैं जिस प्रकार से पारंपरिक ग्राम सभा में पारंपरिक ग्राम सभा प्रशासनिक ग्राम सभा के लिए सरपंच तय कर लेती है पंच तय कर लेती है जिस प्रकार से आज हम तय कर रहे हैं कि पारंपरिक ग्राम सभा सरपंच जो है गांव के सियान बोलेंगे और उसको बनाना दिया जाएगा सरपंच उसका नामांकन फॉर्म भरवा देंगे और उसको निर्ब्रोध सरपंच बनाएंगे ये पारंपरिक ग्राम सभा तय कर सकती है तो क्या पारंपरिक ग्राम सभा का जो स्वरूप है वो हम इतना बड़ा नहीं कर सकते कि पूरे जिले भर को हम पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से चलाए क्या पारंपरिक ग्राम सभा का स्वरूप इतना बड़ा नहीं हो सकता कि तो जितने भी प्रदेश में जितने भी जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं वहां पे हम पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से सांसद और विधायक चुने जो कि हमारा ही जनजाति व्यक्ति होता है यदि अभी आप बोलते हो कि एकता नहीं आई है तो फिर इतने साल से आदिवासी शब्द को क्यों चिपका के रखे हो वो लोग बोलते हैं जो आदिवासी को लेकर आदिवासी आदिवासी एकता लाता है हम सभी के लोग में बीच में जो लोग ये बोलते हैं तो आज के समय में सत्तर साल से जब ये सत्तर अस्सी साल से जब ये शब्द है उन्नीस से जब ये शब्द है अस्सी नब्बे साल हो गए तो आज की डेट में आज की तारीख में ये एकता क्यों नहीं है क्यों नहीं है ये एकता कोई जवाब नहीं है सब बोलेंगे कि ये अलग जा रहे हैं वो अलग जा रहे हैं क्यों एकता इसलिए नहीं है क्योंकि भील को आपने अपने कोया पुनैम के नैंग से नहीं जोड़ा क्योंकि मुंडा को संथाल को भारिया को सहरिया को बैगा को कोल को गोंड को प्रधान को इनको आपने अपने पारंपरिक कोया पुनैम का जो ज्ञान है जो हमारे पास कोई तूर जो व्यवस्था है जो हम कोई तूर जो कोया पुनैम का हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान से हमने हमारे इन नेंगियों को नहीं जोड़ा हम आदिवासी शब्द को लेकर चले जो कि एक ब्राह्मणवादी विचारधारा में फिर से बोलना चाहूंगा ब्राह्मणवादी विचारधारा मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति ने एक शब्द दिया आदिवासी शब्द दिया आदिवासी और उस शब्द को आपने चिपका लिया उस शब्द को आपने चिपका लिया कई जगह पे आदिवासी के नाम पे कुछ भी बने जा रहे हैं वनवासी के नाम पे कुछ भी बने जा रहे हैं उन शब्दों को पकड़ के बैठे हुए हैं आदिवासी के नाम पे दिखा दिया जाता है कि तीर कमान लेके खड़े हैं शरीर में कपड़े नहीं शरीर में ये नहीं अरे मैं बोलता हूं मैं कोई तूर हूं और मैं लखपति भी हूं मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि यहां पे हम किसी को रहीसी दिखाएं लेकिन क्या अनुसूचित जनजाति हमेशा गरीब रहेगा क्या कोई तूर गरीब रहेगा क्या कोई दूरों की कंपनी नहीं होनी चाहिए क्या कोई दूरों की मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होनी चाहिए क्या कोई तूरों को इस देश में शासन करने वाली जगह पर नहीं बैठना चाहिए चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो भारत सरकार के बड़े बड़े सचिवालय हो क्या इस देश के रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर सब कोई तूरू नहीं होना चाहिए हमेशा जनजातियों को गरीब ही क्यों दिखाया जा रहा है एक बात और है कि जनजाति कभी कभी कई जगह पर ऐसे हैं जनजातियां हैं जो कि बहुत अच्छे संसाधन है जिनके पास लेकिन आदिवासी को जब आप सोचते हैं जब आप मन में विचार करेंगे कि आदिवासी शब्द को लेकर सोचेंगे तो आप ये सोचोगे क्या झिंगा लाला हु ला। जो कि बिना कपड़े के ऐसे ही जंगल में घूम रहा है तो दूसरे लोगों की जो मानसिकता बनेगी आदिवासी को लेकर वो कैसी बनेगी कि आपके पास कुछ भी नहीं है ठन ठन गोपाल हो तो आपकी बात क्यों सुनेगा कोई आज जो आपका सांसद बनता है जो आपका विधायक बनता है क्या वो आपका है क्या वो आपके आपके गांव की बात सुनेगा क्या आपकी वो ग्राम सभा का विधायक है क्या आपकी वो अनुसूचित क्षेत्र का विधायक है नहीं वो पार्टी का विधायक है वो बीजेपी का विधायक है वो कांग्रेस का विधायक है और वो न जाने किस किस दूसरे जगह का विधायक है वो आपकी घर की गांव की बात क्यों सुनेगा कितना विकास हो गया है जनजातीय क्षेत्रों का कितना अनुसूचित क्षेत्रों का प्रयास जो आता है कितना विकास हो गया है सारा पैसा जो है ना दूसरे नाम पे उपयोग हो रहे हैं हमारे यहां पर विस्थापन इतनी बड़ी समस्या है मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति कौन कोई भी नहीं सब लोग अभी मनमोहन साहबी जी की आदरणी की जी की हत्या कर दी गई मुद्दा उठाने वाले क्या कोई भी नहीं ज्ञापन लिख देने से कुछ नहीं होता ज्ञापन लिख देने से आवेदन लिख देने से माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे लिख देने से कुछ नहीं होता विधानसभा में प्रश्न उठाइए विधानसभा में प्रश्न क्यों नहीं उठता लोकसभा में प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता वहाँ पे क्यों नहीं उठाया जाता प्रश्न वहां पे पार्टी चलती है पार्टी के कंडक्ट रूल हैं। आपकी पार्टी है बोलती है कि आप इन क्षेत्रों को लेकर ऐसे प्रश्न नहीं उठा सकते तो किसके विधायक हैं भैया ये लोग ये हम सभी युवाओं को सोचना होगा हम सभी लोगों को सोचना होगा जब तक आपके विधायक आपके द्वारा चुने हुए विधायक नहीं जाते हैं आपके द्वारा चुने हुए लोग राजनीति में नहीं आते हैं तब तक यही कुसंगतियां रहेंगी यही विसंगतियां रहेंगी जिस वजह से आप हम सभी परेशान होंगे जनजातीय क्षेत्रों में ही विस्थापन क्यों होता है अन्य समान क्षेत्रों में विस्थापन क्यों नहीं होता है इतने सालों से हम जंगलों के साथ रह रहे हैं आज भी मैं जंगलों से घिरा हुआ हूं मेरी वजह से जंगलों को नुकसान हुआ है क्या जनजातियों की वजह से जंगलों को नुकसान हुआ है क्या जंगलों को हमने काटा है आरा मिल से प्रशासन देती है यहाँ पे परमिशन सरकार देती है यहाँ पे परमिशन आरा मिल लगाने की एक तरफ से जंगल काटने की एक तरफ से सागौन काटने की हम काटते हैं क्या हम जंगल के साथ उनकी उपयोगिता के साथ रहते हैं हर्रा बहेरा महुआ तेंदू पत्ता पिहरी जंगल की जो चीजें हैं उनको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं सूखी लकड़ियां बटोरते हैं पूरा पेड़ नहीं गिराते पूरा पेड़ नहीं काटते ये, हमारे, ये हमारा विस्थापन करते हैं जंगल बचाने के नाम पर हमारा विस्थापन किया जाता है जंगल बचाने के नाम पर यह सब भ्रम है यह सब का सब भ्रम है जंगल बचाने के नाम पे विस्थापन नहीं होता विस्थापन होता है आपको माइग्रेट करने के लिए विस्थापित करने के लिए और यदि आपको विस्थापित कर दिया जाएगा तो जिस चीज को आज हम त्योहार के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस चीज को हम इंडिजिनस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज की भौगोलिक परिस्थितियों और भौगोलिक पहचान से हम अलग हो जाएंगे इंडिजिनस वो व्यक्ति कहलाता है जिसकी खुद की भौगोलिक पहचान होती है जो जन्म से जिसके दादा परदादा कभी भी उस जमीन से विस्थापित ना हुए हों जो कभी भी माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं गए हों जो कभी भी विस्थापित होकर एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं गए हों यह नहीं कि यूरोप से आके व्यक्ति यहां पर रहने लगे वो इंडिजिनस नहीं कहलाएगा चाहे वो किसी भी काल में आया हो चाहे वो किसी भी समय पे आया हो हम यहीं के थे हम यहीं के हैं हम यहीं के रहेंगे लेकिन सरकार ये नहीं चाहती विस्थापन करने वाले लोग ये नहीं चाहते आपको विस्थापित किया जाएगा चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो आपको विस्थापित किया जाएगा वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि इंडिजिनस का जो टैग लगा है आपके ऊपर जिस स्वदेशी देश जन का जो टैग लगा है आपके ऊपर उस टैग को जो हटाना है चाहे वो परियोजना के नाम पे हटाएं परमाणु संयंत्र परियोजना के नाम पे हटाएं चाहे वो जलाशय बनाने के नाम पे हटाएं चाहे वो आपको जंगलों को बचाने के नाम पे हटाएं चाहे वो टाइगर कंजर्वेशन के नाम पे हटाएं लेकिन आपको विस्थापित किया जाएगा ये बात समझ लीजिए जरूरत किस बात की है अभी भी बहुत सारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति रोटी सेकने के लिए कुछ समय के लिए अपने जीवन के पंद्रह से बीस साल तीस साल ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं अपना जीवन बना लूं घर बना लूं परिवार बना लूं ये बना लूं वो बना लूं अपना घर बना लूं अरे पूरा का पूरा जो लोग आपको विश्वास करके वहां तक पहुंचाते हैं जो लोग आप पे विश्वास करते हैं आपको प्रतिनिधित्व के रूप में देते हैं प्रतिनिधि बनाते हैं वो उनको दाव पे लगाया जाता है हम लोगों को दाव पे लगाया जाता है हमारे जीवन को हमारे गांव को हमारे घर को हमारे क्षेत्र को हमारी परंपरा को हमारी संस्कृति को दाव पे लगाया जाता है बेचा जाता है सरयाम राजनीतिक पार्टियों का सिस्टम खत्म करना होगा तब जाके आप पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से अपना प्रतिनिधि के लाएंगे अपनी रूढ़ी व्यवस्था के माध्यम से आप अपना जब तक प्रतिनिधि चुनेंगे नहीं जो आपकी रूढ़ी व्यवस्था जानता हो जो आपकी परंपराओं को जानता हो जो आपकी परंपराओं को कद्र किया हो अभी मनमोहन शाह बट्टी जी का जन्म जो संस्कार हुआ है जो कुंडा संस्कार होना था हत्या कर दी गई उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं इस तरीके से दबा दिया गया है इस तरीके से प्रेशर दे दिया गया है चाहे अंजा, जाने अनजाने सभी प्रकार से आप बिल्कुल इस इस स्तर पे आके खड़े हो गए हैं कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या सोचना चाहिए समझ में ही नहीं आ रहा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा घटना हो गया अभी यदि कुछ ऐसा हो जाता तो देश में आग लग जाती यहां पे मैं इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर रहा कि हमें आग लगाना चाहिए मैं इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर रहा जो घटना हो गई वो बहुत ज्यादा दुखदायी थी लेकिन इस घटना से हम सभी को सीख लेना चाहिए इस घटना से हमको सीखना चाहिए कि क्या हो सकता है कोई भी कोई भी व्यक्ति षडयंत्र का शिकार हो सकता है लेकिन आपको अपना जड़ मजबूत करना पड़ेगा आपको अपना घर मजबूत करना पड़ेगा आपको अपना गांव मजबूत करना पड़ेगा लड़ना छोड़िए अनुसूचित क्षेत्रों में अभी भी प्रावधान है कि आपको प्रतिनिधि के रूप में आपका ही व्यक्ति मिलता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता और जब आपका व्यक्ति मिलता है जब समाज का व्यक्ति मिलता है तो उस समाज के व्यक्ति को बिना लड़े बिना किसी आपस में लड़े क्योंकि आज हमारी सबसे ज्यादा लड़ाइया गांव में हो रही हैं लड़ाइयों में सबसे एफ आई गांव की होती है जिनमें सरपंच का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इस चुनाव में हम आपस में लड़ जाते हैं आपस में एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो जाते हैं तो इस चीज को छोड़िए इस चीज से निकलिए साल के सरपंच हो जाएगा दे दीजिए दूसरे को मौका उसके बाद अगले और को मौका लेकिन ग्राम से ही सरपंच विकास खुद करिए जब आप पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से सरपंच बनाते हैं तो वो जो सरपंच बनता है वो पारंपरिक ग्राम सभा की बात सुनता है उस पारंपरिक ग्राम सभा की कोई अपुनैम कोई तूर पर व्यवस्था गांव की व्यवस्था गांव की खेरों की व्यवस्था मेढों की व्यवस्था रोन रच्चा व्यवस्था सारी व्यवस्थाओं को जानता है समझता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है जो इन को या पुनैम को नहीं जानता जो कोई दूर को नहीं जानता तो वो क्या करेगा बैच देगा एक लाइन से सब कुछ बैच देगा गांव के जो भी हमारे अधिकार हैं गांव में यदि कुछ विस्थापन होना होता है तो ऐसे सरपंच लिख के दे देते हैं कि इस विस्थापन से हमें कोई समस्या नहीं है यदि गांव सभा मजबूत रहे गांव के लोग एकता में रहें गांव के लोग एक रहें रहे, तो कोई भी आपको आपकी जगह से नहीं हटा सकता हमारा युवा मजबूत है शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी हम मजबूत हैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बस यह है कि हमारी ऊर्जा हमारी इच्छा शक्ति हमारी दृढ़ निश्चय सही दिशा में होना चाहिए गलत दिशा में नहीं भटकाव की दिशा में नहीं देश को तोड़ने की दिशा में नहीं देश के साथ खड़े होने की दिशा में इस देश के लिए खड़े होने की दिशा में और इस देश को आगे बढ़ाने की दिशा में और इस देश को चलाने की दिशा में होनी चाहिए मजदूर बनने की मत सोचो मालिक बनो यह मत सोचिए कि आपको मजदूरी करने के लिए लेबर की काम करने के लिए यहां जाना है वहां जाना है वहां भटकना है इस कंपनी जाना है उस कंपनी जाना है गांव में दस बच्चे इकट्ठे हो जाइए गांव में दस लड़के इकट्ठे हो जाइए और अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करिए कोई भी बड़े व्यवसाय को आप पकड़ लीजिए कोई भी बड़े व्यवसाय करने वाले को आप पकड़ लीजिए देख लीजिए चाहे धीरू भाई अम्बानी के पिता हों चाहे रतन टाटा हो चाहे महिंद्रा हो चाहे बिरला हो उनने जो शुरुआत करी थी वो बहुत छोटे से करी थी उनने जो काम शुरू किया था वो बहुत छोटे से किया था लेकिन उनके अंदर दृढ़ निश्चय था द्रण निश्चय उनको आगे बढ़ाकर धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाया उनने छोड़ा नहीं उस काम को दूसरों के यहां पे गुलामी नहीं करी और सबसे बड़ी बात मैं ये सभी युवाओं के लिए बोलूंगा उन सभी लोगों के लिए बोलूंगा जो दारू पीते हैं छोड़ दीजिए दारू चहर है ये आपका घर बर्बाद करता है आपका पैसा बर्बाद करता है आपकी जिंदगी बर्बाद करता है आपकी मानसिकता बर्बाद करता है मानसिकता दूषित करता है सकारात्मकता नहीं सोच पाते हैं आप सकारात्मक तरीके से नहीं सोच पाते हैं आपके मन में जो जहर डाला जाता है उस जहर को लेकर आप दूसरे से लड़ने भिड़ने चले जाते हैं किसी दूसरे धर्म संस्कृति को गाली देने की आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे की लाइन को छोटी करने की आवश्यकता नहीं है अपनी लाइन को बड़ा करने की आवश्यकता है अपनी लाइन को बड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है मेरे साथियों गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन वो फैक्ट्री है गौंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन वो फैक्ट्री बनेगी भविष्य जिस में जिसमें कोई तूर युवा तैयार होंगे जिसमें कोया वंशी खून तैयार होगा जिसको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है वो उस क्षेत्र में आगे बढ़े आइए जुड़िए गौंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन से अभी ठीक है कि गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन भी राजनीतिक लोगों के प्रभाव में आ जाती है मैं इस बात से मना ही नहीं करूंगा होता होता है और हो रहा है इतने सालों से हम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम घिरे हुए हैं इन सब चीजों से प्रभावित होंगे लेकिन जो अच्छे लोग हैं जो अच्छे मार्गदर्शक हैं उनका मार्गदर्शन की आवश्यकता है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन को हम युवाओं को हमारे अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो बौद्धिक लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि समाज को एक सूत्र में कैसे रखा जाए जो कोई अपुनेमी लोग हैं जो कोई दूर लोग हैं उनकी आवश्यकता है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन को गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन में नए युवा जब जुड़ता है तो इस ऊर्जा के साथ जुड़ता है कि यहां पे उसे कुछ मिलेगा क्योंकि तो गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन कभी ये नहीं बोलता कि भीड़ निकालिए कि ज्ञापन दीजिए कि हड़ताल करिए कि धरना दीजिए गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन हमेशा एक बात बोलता है और वो एक बात ये है कि खुद को मजबूत करिए खुद अपने पैरों में खड़े हो जाइए खुद इतने पावर ताकतवर बन जाइए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े और खुद को व्यवसायिक रूप में खड़े करने के लेकर से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से लेकर सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने से लेकर किसी भी क्षेत्र में आपको जीएसयू की गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन की वो युवा जो गुणवाना स्टूडेंट्स यूनियन में जुड़े हैं उनको सकारात्मक के साथ सही रास्ता देती है हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो कि गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन को सही दिशा देती है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन विसंगतियों को धीरे धीरे दूर कर रही है एक संगठन कैसे कार्य करना चाहिए एक संगठन को समाज में कैसे काम करना चाहिए एक संगठन को देश में कैसे काम करना चाहिए वो ये गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन में हम सभी सीख रहे हैं और हम सभी युवाओं को सिखा भी रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमें सिखाने वाला कोई भी कोया पुनेम का सही व्यक्ति यदि हमें मार्गदर्शन देता है तो हम सीखेंगे लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसे आते हैं जो गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का जो संगठन का जो जीएसयू का दुरुपयोग करना चाहते हैं यह बिल्कुल नहीं होगा गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन एक गैर राजनीतिक इकाई है जो कि स्वयं की, की नियमावली पर चलती है जो इस बात के लिए प्रेरित है कि हमें इस विश्व में कोई अपून संगत कोया पुनैम प्रकृति संगत व्यवस्था को बनाए रखना है कोई तुर व्यवस्था को बनाए रखना है कोया पुनैम को बनाए रखना है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन कभी भी किसी की भी राजनीतिक चाल में राजनीतिक झांसे में नहीं आने वाली इस बात के लिए हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और मैं उन युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा और मैं उन युवाओं से भी अपील करता हूं कि गुंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन में निस्वार्थ भावना से जुड़िए यहां पे आपको भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है यहां पे आपको हड़ताल देने की जरूरत नहीं है यहां पे आपको रैली निकालने की जरूरत नहीं है यहां पे आपके स्वयं का विकास होगा स्वयं की मानसिकता का विकास होगा खुद की बौद्धिकता का विकास होगा आप समझेंगे इस देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं जो सिद्धांत चल रहे हैं जो प्रक्रियाएं चल रही हैं जिस चीज़ों से हम घिरे हुए हैं उन चीज़ों को सोचने और समझने का मौका मिलेगा आप अपने लिए व्यवसाय करना चाहते हैं कीजिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़िए जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीएसयू उस क्षेत्र में आपको मदद करेगी लेकिन आपसे जीएसयू को कुछ भी नहीं चाहिए लोग बोलते हैं कि जीएसयू से हमें क्या मिलेगा जीएसयू से आपको कुछ भी नहीं चाहिए और जीएसयू से आपको क्या मिलेगा वो बता देता हूँ आप जी से जीएसयू में कभी यह नहीं बोला जाता कि आप हड़ताल ज्ञापन धरना प्रदर्शन में जाएं केवल और केवल इतना चाहता है कि यदि आप जीएसयू से जुड़े हैं तो कोई अपुनैम को समझें कोई दूर व्यवस्था को समझें आपके यहां पे जो बैठकें होती हैं जो प्रतिमा होती हैं उस बैठकों में केवल आपको एक घंटे का समय देना है बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं और केवल और केवल नियमावली पर काम करना है केवल और केवल रिपोर्टिंग पे काम करना है, है उससे ज्यादा कोई भड़काऊ चीज नहीं कोई किसी भी धर्म को गाली देने वाला विषय नहीं अभी रावण और रावय को लेकर ही बहुत ज्यादा मतभेद हैं लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रावण और रावय में अंतर है मेरे को एक बात बताइए मेरे साथियों जब एक तरफ आप ये बोलते हैं कि राम काल्पनिक था एक तरफ जब हम ये बोलते हैं कि राम काल्पनिक था बहुत सारी जगह लोग ऐसा बोलते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं इस विषय में मेरी टीप अलग है तो जब राम को काल्पनिक मानते हैं तो रावण को क्यों काल्पनिक नहीं मानते मतलब एक तरफ आप राम को काल्पनिक मान रहे हैं और रावण आपके सामने है तो जब रावण है तो राम भी होगा ना जब इस प्रकार से महिषासुर को आप मानते हो जो महिषासुर है तो दुर्गावती जी भी होंगे क्या दुर्गा दुर्गा देवी भी है तो ऐसा क्यों ये मतभेद जो है युवाओं के मन में डाला जा रहा है ताकि आपके मन में जो है जहर डाल दिया जाए आपके मन में आक्रोश भर दिया जाए ताकि आप अपने शिक्षा का अपने दिमाग का बौद्धिकता का विकास ना कर पाए कोई तुर युवा बहुत कुछ कर सकता है कोई तुर युवा इस देश में शासन चला सकता है बशर्त यह है कि अपने दिमाग को अपने बौद्धिकता को अपने संतुलन को बनाए रखना होगा अपनी सोच को बनाए रखना होगा गलत चीजों से छूटिए गलत व्यवसाय से गलत लत से बचिए कई युवा गुटका खाते हैं कई युवा नशा करते हैं उन नशाओं से बचिए अपनी सोच अपनी दिमाग को सही जगह पर लगाइए खुद को विकसित करने में लगाइए खुद को मजबूत करने में लगाइए साथियों गौंडवाना दर्शन में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला गौंडा दर्शन के हम सभी बहुत आभारी हैं गौंडवाना दर्शन के संस्थापक आदरणीय सुनहर सिंह ताराम जी का मैं अपने को मैं अपने हृदय से याद करता हूँ उनको श्रद्धा सुमन देता हूँ गौंडवाना दर्शन ने जब काम शुरू किया था उस समय गौंडवाना को समझाने वाला कोई नहीं था आदरणीय ताराम जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है हम बच्चे थे हमें जो जानकारियां दी हैं उनका हम हृदय से आभारी हैं और मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि गोंडवाना दर्शन को शुरू करने में पत्रिका को शुरू करने में हम सभी को सहयोग करना है वो युवा जो तकनीकी रूप से मजबूत हैं वो युवा जो कंप्यूटर में माहिर हैं वो प्रिंटिंग में अपना समय दे सकते हैं या फिर वो युवा जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो गोंडवाना दर्शन से संपर्क करें आप हमसे संपर्क करें ताकि हम गोंडवाना दर्शन को फिर से खड़े कर सकें गोंडवाना दर्शन तब खड़ा था जब कोई भी खड़ा नहीं था गौणा दर्शन की पत्रिकाएं जो छपती थी बड़ी मुश्किल से छपा करती थी दूसरी जगह जाकर जा तो गौंडा दर्शन को हमको पुनः प्रकाशित करना है यह हमारे आदरणीय पैनवासी सुंदर सिंह ताराम जी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी उनके लिए एक अनमोल तोहफा होगा कि हम गौणाना दर्शन को फिर से खड़े कर सकें ये जिम्मेदारी हम युवाओं की है फालतू समय में अपना समय बर्बाद मत करिएगा गलत चीजों को लेकर समय बर्बाद मत करिएगा यदि आपके सिद्धांत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपने किसी मार्गदर्शक से पूछ लीजिएगा को पुणेम के किसी मार्गदर्शक से पूछ लीजिएगा कोई व्यवस्था को जानने समझने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिएगा आदिवासी वाले से मत पूछिएगा मैं बहुत स्पष्ट करके बोलना चाहूंगा बहुत स्पष्ट करके एक बात समझ जाइए जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति आदिवासी बनवासी हरिजन गिरिजन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है ना वो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है राजनीतिक व्यक्ति है आपका वोट बैंक का प्रयोग करने के लिए वो इस शब्द का प्रयोग कर रहा है आप जानो या ना जानो वो भले ही सामने आके ये बोले कि नहीं हम निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं समाज के लिए काम कर रहे हैं लेकिन आदिवासी का उपयोग करना ही एक वोट बैंक के रूप में काम करना है क्यों हम अपने आप को एक समूह के रूप में दिखाएं क्यों हम वर्ग विशेष के रूप में दिखाएं हम कोई तूर थे कोई तूर हैं और कोई तूर रहेंगे इसके लिए अंत में मैं गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के नारा लगाना चाहूंगा मेरे साथियों हम हैं जीएसयू हम हैं इंडिजिनस हम हैं इंडिया अब इसी को मैं अंग्रेजी में भी लगाना चाहूंगा वी आर जीएसयू स वी आर इंडिया साथियों आज की तारीख में नौ अगस्त को हम सभी जो है वी आर इंडिजिनस हैश टैग कर रहे हैं यह हमारा नारा है वी आर इंडिजिनस हम इस देश के लोग हैं हम इस देश की भौगोलिक पहचान रखने वाले लोग हैं हमें अपनी जगह से विस्थापित नहीं होना है उसके लिए हमें अपने युवा वर्ग को भी मजबूत करना होगा उसके लिए हमें अपने गांवों को भी मजबूत करना होगा उसके लिए जो हम राजनीतिक लोग चुन के भेजते हैं प्रतिनिधित्व लोग जो चुन के भेजते हैं उसको भी मजबूत करना होगा और इन सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना होगा इसी के साथ मैं आदरणीय सुनैर सिंह ताराम जी को याद करते हुए आदरणीय मोती रामन गंगाली दादा को याद करते हुए सेवा जोहार करता हूँ हमारे आदरणीय अभी काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ हैं दादा ही रसिमर जी को भी मैं स्वास्थ्य उनकी जल स्वास्थ्य ठीक होने की मनोकामना प्रेरण मनोकामना करता हूँ अभी हमारे साथ जो बहुत बड़ी गोंडवाना की क्षति हुई है आदरणीय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की उनकी पैन पैन को भी मैं सेवा 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 जोहार करता हूँ और मैं उन सभी हमारे पुरखों को पैन पट्टों का सेवा सेवा जोहार करता हूँ जिन्होंने गोंडवाना के लिए कोया के लिए अपना बलिदान दिया प्रत्यक्ष रूप से बलिदान दिया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से बलिदान दिया हो उन सभी के मैं को, बलिदान को मैं सेवा 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 जोहार करता हूँ उन सभी लोगों को मैं सेवा जोहार करता हूँ जो रात दिन इस कोंडवाना के लिए कोया पुनैम के लिए कोईतूर के लिए कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे हैं मैं उनके लिए भी सेवा जोहार करता हूँ मैं आदरणीय डॉक्टर सूर्यावाली साहब का भी सेवा जोहार करता हूँ जिन्होंने हम युवाओं को कोया पुनैम और कोईतूर के व्यवस्था को लेकर बहुत स्पष्ट रूप से सटीक रूप से बताया उनको भी मैं सेवा 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 जोहार करता हूँ मैं पूरे देश में रह रहे कोयावंशी गोंडवाना के लोगों को गोंडवाना भूभाग के लोगों को सेवा 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 जोहार करता हूँ मैं दाई उषा किरण आतराम जी को सेवा 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 जोहार करता हूँ दाई आपको भी सेवा 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 जोहार और साथ ही हमारे सभी युवा साथियों को मैं सेवा 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 जोहार करता हूँ मेरे से पहले आज तक हमने गोंडवाना दर्शन में बहुत सारे जो हमारे उद्बोधन करते आए हैं उनको भी मैं सेवा 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 जोहार करता हूं और आने वाले समय में हमारे जितने भी उद्बोधन करता रहेंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं सेवा 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 जोहार धन्यवाद